तो मेरी जानकारी के हिसाब से जो 66,000 करोड़ का प्रकरण है वो ईडी ने दर्ज कर लिया है। इसमें 27,000 करोड़ खनिज स्टॉक का घोटाला है, 27,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का अवैध बजरी का खनन का घोटाला, 10,800 अरावली हिल्स में जो अवैध खनन किया है उसका घोटाला है, और 2,500 करोड़ का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का घोटाला है, और 2,400 करोड़ का जिंदल का जलीपा कोयला का घोटाला है, और 2,000 का अधि मतलब ERCC जिसको अधिशुल्क रॉयल्टी संग्रहण अनुबंध कहते हैं, एक्स्ट्रा रॉयल्टी करप्शन, 2,000 करोड़ कोई रॉयल्टी एक्स्ट्रा रॉयल्टी हाँ किसी भी की चेजा की हो बजरी की हो, और 1,000 करोड़ का सीमेंट ब्लॉक का घोटाला है, 1,000 करोड़ का एमनेस्टी और स्टाम्प ड्यूटी का घोटाला है जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया था, 200 करोड़ का सावर में अवैध खनन का घोटाला है। ये कुल 66,000 करोड़ मौसम का प्रकरण की शिकायत मैंने ईडी को दी थी। आपको भी एक बात सरसरी तौर पर ये जानकारी मैं जानना चाहता हूँ, तो ये इसमें भी ईडी एक्टिव हो जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ईडी से निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें सक्रियता बरतेंगे तो बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स पकड़े जाएंगे, बजरी माफिया पकड़े जाएंगे। मैंने आपको जानकारी दी थी, ये तो आपको पता लग गया होगा कि अब तक जल जीवन मिशन और DOIT में 18.5 किलो सोना बरामद हो चुका है ना आप लोगों को पता, और 6.5 करोड़ नगद पकड़ लिए। कागज जो प्रॉपर्टी के पकड़े हैं उनकी जानकारी तो आपको ईडी देगी, और उसमें कई MLA कई मंत्री कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, और जलजीवन मिशन में आपको बताया था कि 30-40% अबोव के टेंडर किए जो पत्रकार वार्ता के बाद निरस्त हो गए, और 900 करोड़ के टेंडर जिन दो फर्मों को दिए, श्याम टू बेल्ट कंपनी गणपति टू बेल्ट कंपनी, जिसने फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट देकर 900 करोड़ के टेंडर प्राप्त कर लिए, उसमें एक तो जेल में पदम चल जाए, बाकी के भी भागे हुए, दो चार एक्शन भी पड़े हुए जेल में, आगे भी कुछ जाने वाले, तो मैंने आपको कहा था सही मेरा मामला निकला कि 900 करोड़ का भी 900 करोड़ की तरह एक और है मामला, हमारी बात सोफित सही निकली, 900 करोड़ का गलत काम दिया, 20,000 करोड़ के टेंडर गलत दिए। अभी इसी की तरह गणपति ट्यूबवेल साहब ट्यूबवेल जिसके मालिक अभी जेल में है, वैसे ही अभी बहुत सारी फर्म है जो इनकी तरह टेंडर दिए गए, मिलजुल के साठ गांठ करके पैसा लेकर, जिसमें एक फर्म है मांगीलाल बिश्नोई, दूसरी फर्म है विष्णु प्रकाश पुनगोलिया, तीसरी फर्म है GR इंफ्रा। इन फर्मों को करीबन 1300 करोड़ का काम दिया है, जिनके पास फेक एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है और ये कॉम्पिटेंट नहीं है। तो मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी से, इनके भी जरा ACB के छापे डलवाए,
नहीं तो एडी तो कार्रवाई करे, मैं ये ईडी के अधिकारी को कहना चाहता हूँ। एक हमने डीओआईटी में आपको खुलासा किया था 5,000 करोड़ के घोटाले का, एसीबी ने 2 परिवादों में 17 में परमिशन मांगी थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने परमिशन नहीं दी, यानी भ्रष्टाचार पे 3,500 करोड़ के पे पर्दा डाल दिया। लेकिन पिछले दिनों ईडी ने डीआईटी से संबंधित 4 कंपनियों, ध्यान से आप सुनना, ई कनेक्ट, लिपि डेटा, आर्मटेक और पान इंटेलिकॉम में छापे डाले थे, ये आपको जानकारी मिली होगी, जिनमें लगभग 5.5 किलो सोना, 6 करोड़ रुपए नकद और बेशुमार दस्तावेज मिले हैं। हमारी तरफ से भी हमने ईडी को जानकारी दी है, डीओआईटी को, जिसमें ऐसे कागज हैं जिसमें बड़े ब्यूरोक्रेट और इसकी तहन मुख्यमंत्री तक जाएगी। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मेरी बात फिर सही निकलेगी। और अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके फर्जीवाड़ों और अधिकारियों द्वारा भारी गड़बड़ी करके पब्लिक पैसे की बंदरबांट की है, जिसकी जानकारी हमने ईडी को दे दी। इसमें एक है पोस मशीन का घोटाला। राजकोट में पोस मशीन के वितरण में काफी घोटाले हुए हैं, जिनमें फर्मी फर्जी दस्तावेजों से टेंडर लेना और लिंकवेल तथा एनालॉगस जैसी कंपनियों को भुगतान करना प्रमुख बात है। इसी सिलसिले में एक दस्तावेज हमने ईडी को उपलब्ध कराया है, जिसके अनुसार एक अतिरिक्त निदेशक, एडिशनल डायरेक्टर जो भी रिटायर्ड हो गया, आरसी शर्मा, उन्होंने 2020 की फाइलों जिनके काम 2000 में पूर्ण हो जाने चाहिए उस पर वाइटनर लगा के वाइटनर 2022 लिख दिया, और जो कटिंग अटेस्टेशन में लिखते हैं सीए, वो सीए भी उन्होंने लिख दिया, यानी कि 2020 के काम करोड़ों रुपए लेके करोड़ों के काम 2022 में शिफ्ट कर दिए। इसकी जानकारी टीएन शर्मा जी ने सरकार को दी थी, उसके बावजूद भी गहलोत सरकार ने कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करना तो दूर की बात कोई जांच नहीं की, बल्कि इस आरसी शर्मा को पूरे पेंशन बेनिफिट दे दिए। और यही आरसी शर्मा जो आईटी का अधिकारी था, इन कंपनी में कंसल्टेंट बनकर डीओआईटी में दलाली कर रहा है। मेरी सरकार से मांग है और ईडी से मांग है, आरसी शर्मा इन लिंकवेल कंपनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच की जाए, यहां भी बहुत सोना मिलेगा, करोड़ों की नकदी मिलेगी। कुछ महीने पहले डीओआईटी के आधार के विभाग के मामले में रिश्वतखोरी का एक प्रकरण में सीबीआई जांच करना चाहती, जिसमें राज्य सरकार ने जांच नहीं करने दी, और वो है क्या, राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड में भामाशाह डिजिटल पेमेंट किट के लिए एक टेंडर निकाला गया। इन भामाशाह डिजिटल किटों के अंदर टैब, फिंगरप्रिंट स्कैनर आदि मशीनों का सेट खरीदा जाना था। उक्त संदर्भ टेंडर के जरिए राजकोट ने कुल 8,592 किट खरीदी, जिनकी कुल कीमत 29 करोड़ रुपए थी। आरटीआई की जानकारी के अनुसार वर्क ऑर्डर के जरिए 8,562 किट न खरीद कर 29 मार्च 2019 के दिन मात्र 4,984 मशीन खरीदना बताई गई, बाकी मशीनों का भुगतान अधिकारियों ने अपने जेब में डाल लिया।
मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि ये सीधे जो अधिकारी पैसे अपनी जेबों में डाल रहे हैं इनकी जांच कराएं। मई 2019 के बाद एक भी मशीन जो भी खरीदी 4523 वो काम में नहीं ली गई आज तक। और इसके मुख्य आरोपी DOIT के हंसराज यादव और सीताराम स्वरूप रणवीर सिंह है। इन अधिकारियों ने करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाला इन प्रोजेक्ट में किया है, जो मैंने आपको बताया। घोटाले में विभिन्न प्रोजेक्ट जिनमें मैसर्स अतिशय लिमिटेड के साथ ऑथेंटिकेशन इंजन, आधार की वेबसाइट, माइक्रो ATM आदि मशीनों के प्रोजेक्ट शामिल है। अब कुछ मामले जो कि आज मैं केवल संक्षेप में बताना चाहूंगा, जैसे राजनेट प्रोजेक्ट में मैंने आपको घोटाले बताए थे पहले पत्रकार वार्ता में, उसमें एक अधिकारी है CP सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर, जनरल मैनेजर है DOIT में। उसने उन मशीनों की ऑडिट के नाम पर एक फर्म को 15 करोड़ रुपए दिए, जो मशीन लगी नहीं 15 करोड़। केवल इन्होंने हर तरह से पैसे की लूट मचाने का काम किया है। और राजनेट इंजीनियर्स को समय पर सैलरी नहीं मिल रही, आप बड़ा पता कर सकते हैं। UPS सारे खराब पड़े, इंजीनियर्स की हालत बड़ी दयनीय है और इन्होंने लूट मचा रखी है। CP सिंह जो जनरल मैनेजर हैं वो बड़े घोटालेबाज हैं। और मैं कल तो मैं चला जाऊंगा दिल्ली, और यहाँ जाकर इन्होंने घोटाले कर रखे ना, मैं आपको साथ ले चलूंगा। मैंने आपको एक बार बताया था ना, ताली बजाओ तो गेट खुल जाए, ताली बजाओ तो गेट बंद हो जाए, ताली बजाओ तो लाइट जुड़ जाए, ताली बजाओ तो लाइट बंद हो जाए, ताली बजाओ तो TV चल जाए। मैं आपको साथ ले चलूंगा, वो प्लेट मैंने चिन्हित कर लिए। इन्होंने कमाला क्या किया है, इनकी शादी हो गई और हिंदू मैरिज एक्ट में दूसरी शादी तो कर नहीं सकते। तो दिल्ली से एक महिला को ले आए, उसने बेचारा ने FIR दर्ज करा दी, उस महिला पर कब्जा कर रखा है। मिलने जाना चाहते हैं तो मिलने नहीं देना चाहता। वो दिल्ली का व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन दे दिया, DG को ज्ञापन दे दिया, लेकिन CP सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, सुनो। CP सिंह ने सोनाला में एक कॉम्प्लेक्स है, आप जाके देख लेना, रिद्धि राज अपार्टमेंट, इसके 3 फ्लैट है। उसमें 12वीं मंजिल पर, 13वीं मंजिल पर, 14वीं मंजिल पर, पहले बता रहा हूं, और बेचेगा कहां, पकड़ा जाएगा। ACP को बता रहा हूं, ED को बता रहा हूं, प्रत्येक की कीमत 4.5 करोड़ है। कुल कितनी कीमत हो गई, 13 करोड़, 13.5 करोड़ जोड़ गए। एक फ्लैट तो इनमें से CP सिंह के नाम है, एक उसकी पत्नी के नाम है, और तीसरा उसके बेटे हर्षवर्धन सिंह के नाम है। तो 13.5 करोड़ 2 साल में कहां से आ गए, क्या गहलोत साहब की आंख मूंदी बंद है। और इन फ्लैट की रजिस्ट्री 15 अक्टूबर को 2022 को एक ही दिन हुई है तीनों। ये कागज मेरे पास है, इनके पैन कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, आप चाहोगे तो मैं दे दूंगा। बेटे हर्षवर्धन के नाम मुंबई में फ्लैट है 8.5 करोड़। CP सिंह ने अपनी पत्नी के नाम अभी गाजियाबाद में करीब 18 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसके कागज मेरे पास है। या जयपुर में दिल्ली रोड पर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ बताई जाती है। CP सिंह के माता पिता के नाम भी बहुत प्रॉपर्टी है। और CP सिंह ने हाल ही में, आप जाके देख जाना घर पर, 1.5 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी खरीदी है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़। डिफेंडर तो शायद इतने नहीं आती है। और 30-40 लाख की 5-6 बाइक वहां पर खड़ी हुई है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, जनरल साहब ये तो कार्रवाई कर ले,
वरना 7 के बाद मैं आपको ले चलूंगा, डिफेंडर को भी उठाएंगे, बैकों को भी उठाएंगे, और जिनके पास सामान नहीं है ना उनको ऐसे लोग को ले जाके मैं ये कानून को हाथ में लेने वाली बात है, इन्फ्रेक्टर घुसाऊंगा। या तो राजस्थान की सरकार इनकी को जब्त करे, अटैच करे, क्योंकि जब मोदी योगी जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, या ध्वस्त करे। इसी प्रकार से अगर भास्कर में छपा था है कार्मिक विभाग की वित्तीय सलाहकार श्रीमती ज्योति भारद्वाज, इसकी शिकायत हमने ईडी को 1 महीने पहले कर दी, और शिकायत में क्या है कि इसने 15 फ्लैट खुद के नाम, 11 फ्लैट अपने बेटे के नाम, 4 एवं 5 मार्च 2022 को 2 दिन में ही करोड़ों के फ्लैट रजिस्ट्री करा ली, 2 दिन में ही। इसकी जानकारी हमने ईडी को दे दी। श्रीमती ज्योति भारद्वाज के पुत्र रोहन वशिष्ठ के नाम खरीदे गए फ्लैट्स कितने में खरीदा गया, कितनी संख्या है, किस तारीख को खरीदा गया, 11 फ्लैट इसके, 15 फ्लैट इसकी सूची मेरे पास है, कब खरीदा, कितने में रजिस्ट्री हुई, कितने का स्टैंप लगा, ये सब कागज मेरे पास है। तो भैरव के राज में वित्तीय सलाहकार लूट रहे, DYT के लूट रहे, जल जीवन मिशन के लोग लूट रहे हैं, और अभी तो मैं सिंचाई विभाग में 5,000 करोड़ का घोटाला उजागर करने वाला हूँ, यूरिया में 10,000 करोड़ का, सूक्ष्म ऊर्जा में 5,000 करोड़ का है। ये कागज तो मैं आपको अगली पत्रकार वार्ता में दूंगा, लेकिन मैं आज गांधी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि घोटाले पर घोटाला, और खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की घोषणा करता हूं, तो मेरी बात सुनो, 66,000 करोड़ का खनन का घोटाला, 5,000 करोड़ का IT का घोटाला, और 20,000 करोड़ का जल जीवन मिशन का घोटाला, और बेटे ने क्या किया है, फिर आरोप लगा रहा। महेश जोशी ने जब मैंने पत्रकार वार्ता की थी तो महेश जोशी जी ने कहा था डॉक्टर कोरलाल के खिलाफ में मान आने का मुकदमा लगाऊंगा, तो मैं मीडिया वालों को चाहिए, मैं महेश जोशी जी से कहना चाहता हूँ, या तो मान हानि का मुकदमा खटाखट लगा दो, मैं आपके पास की ईडी पहुंचने वाली है। अब गहलोत साहब को भी कह रहा हूं कि इनके बेटे ने जयपुर की फेयरमाउंट होटल, उदयपुर की रेडफोर्ट होटल जिसमें ये झील में बनी हुई है, उस पूरी को खो दिया, अलॉटेड एरिया कम था, चौगले एरिए पे कब्जा कर लिया, उदयपुर में ताज अरावली होटल और माउंट आबू में लीमरी पैलेस के जरिए हजारों करोड़ का काला धन अर्जित किया है जिसको वाइट किया जाना है। अगर इसमें मैं गलत बोल रहा हूं तो मुख्यमंत्री जी आप भी महेश जोशी की तरह मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करें, आप स्वतंत्र हैं। अब ये जो ढकोसलेबाज मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आपको ईमानदार बताते हैं, इन पर मैंने आरोप लगाए जो आपकी जानकारी में पुख्ता प्रमाणों के साथ में आऊंगा। UBS में जांच बना है कोई बात नहीं बना, लेकिन सैकड़ों करोड़ जेल का प्रोग्राम चला गया, जयपुर जेल का पैसा जोधपुर जेल का पैसा कोटा में ले गए, स्मार्ट सिटी के नाम के पैसे में घोटाला कर डाला, वो मैं प्रमाण बाद में दूंगा सांदी धारीवाल जी के, ऐसे ही सिंचाई विभाग के दूंगा, ऊर्जा का दूंगा, लेकिन डिजाइन बॉक्स और है, आप डिजाइन बॉक्स का नाम सुना होगा, DK सिंह कुमार ने इसको चुनाव में एंगेज कर रखा था, वो यहां आ गई,
उसके 500 करोड़ के कबाड़े में अगली पत्रकार वार्ता में दोनों में तो ये कह के घेरो साहब को बोल रहा हूँ आप सावधान हो जाओ वरना आप भी पकड़े जाओगे। पोषाहार का घोटाला कमलजीत राणा जानते हो क्या? कमलजीत राणा मुख्यमंत्री जी का एक बहुत प्रिय आदमी है जिसको सारे राज्य के पोषाहार ठेके दे दिए और आपकी जानकारी में कि सरकार का जो अगस्ता हेलीकॉप्टर था वो कवन जी राणा खरीद लिया है क्या आप लोगों को जानकारी? अगस्त हेलीकॉप्टर जो राज्य सरकार के पास था वो कवन जीत राणा ने खरीद लिया घेरो साहब से सैटिंग करा के। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कवन जीत राणा ने घेरो साहब की अगुवाई में कितना पैसा कमाया कि सरकार का हेलीकॉप्टर खरीद लिया। इसके कागज में आपको बात दे दूंगा। और एक आपको जानकारी होगी कि यहाँ एक इवेंट आयोजित हुआ था जेएनएमआर पर मार्च में 21, 22, 23 मार्च 2023 तीन दिन तक जेएनएमआर पर इवेंट हुआ था पता जिसमें हाईकोर्ट ने कॉन्फिडेंस लेकर सरकार को डांटा था 38 करोड़ का। इस 38 करोड़ का काम मैंने केवल 10 करोड़ का खाना तीन दिन का इसके कागज में बाद में लाऊंगा मैं पहले आपको सेंसिटाइज कर देता हूं। तीन दिन में 10 करोड़ का खाना एक प्लेट 6,500 करोड़ की आपने खाई थी कोई 6,500 करोड़ खा लो राज्य की गरीब जनता के पैसे को किस ढंग से ढेरों साल लुटा रहे और ये प्लेट का काम दिया 6,500 करोड़ का 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया है तो ज्ञान जी कैटेगरी में यहां है तो जानते हो आप लोग है ना? तो ज्ञान जी कैटेगरी से मैं कहूंगा कि सावधान हो जाओ ईडी आपके यहां भी खाने में घुस जाएगी। तो इतना महंगा खाना क्यों दे रहे हो ये आपको पता लग जाएगा। ये राणा जी है ये कंवरजीत राणावत है जो मंत्री के साथ बैठे हुए अधिकारियों में हाँ अधिकारी की मीटिंग ले रहे मंत्री के साथ और फिर अपना टेंडर फाइनल कर रहे हैं। कैसी कमलजीत राणा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जिसके खिलाफ 2017 में महाराष्ट्र में ईडी का मुकदमा दर्ज हुआ है ब्लैक लिस्टेड हुआ है और हिस्ट्री सी कर है जिसको अवस्था हेलीकॉप्टर सरकार ने बेचा है पैसा यही से कमाया इसके कबाड़े और एक पैसा हाल में काम करने वाले एक राजेंद्र अग्रवाल है दोनों पे कबाड़े। अगली बार मैं आपको बता दूंगा अब दोनों ने आपस में समझौता कर लिया घटिया खून पैकेट का मामला भी मैं अगली बार आपको बताऊंगा जिसमें करोड़ों के लेन देन हुई है और बाकी के जो मामले हैं अब इतना लंबा ज्यादा हो जाएगा आप कहते हो ज्यादा लंबा बोलते हो तो ये मेरा कहने का मतलब है जो मैंने आरोप जगजीवन में मिश्र में लगाए वो सही पाएंगे जो मैंने आरोप आरेंटी में लगाए वो सही पाएंगे जो मैंने आरोप सेकंड पेपर में लगाए वो सही पाएंगे जो आरोप मैंने वैभव घरों पर लगाए वो भी सही पाए जाएंगे जो बाइस में लगाए वो भी सही पाए जाएंगे। तो हजारों करोड़ की घोटाले बाद सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं हम रिपीट होंगे। अब मैंने कहा था आरपीएससी में चोर बैठा है बाबूलाल कटारा तो पकड़ लिया लेकिन चेयरमैन को बहस दिया
मैंने ना तो सुरेश ढाका सरना प्रयोग नहीं का उसको सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकती, और सुरेश ढाका पकड़ा गया तो एक दर्जन एमएलए और आधा दर्जन एमएलए का नाम उजागर करेगा। मैंने उस समय कहा था सरकार भी गिर जाए तो कोई भारी बात नहीं है, इसलिए उसको कैद कर दिया है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं इस सरकार ने, और लीक के पेपर में बताया था 6 एमएलए और 3 मंत्री मैं प्रभार के मैंने ईडी को दे दिए। हो सकता है ईडी ने 1 साल का समय ले लिया। सुभाष गर्ग ने तो लोगों को पता लगा है कि उसने अपना मोबाइल ही चोरी बताने में मुकदमा दर्ज करा दिया भरतपुर में, तो ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा है और पूरे राजस्थान को 5 साल तक लूटा है। और भी जो तथ्य दूंगा मैं सत्यता पर आधारित दूंगा। मेरा आरोप है कि राजस्थान में कांग्रेस के पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन पर आरोप लगे हैं, लेकिन गहलोत और गहलोत के सरकार के मंत्री बड़े मंत्री जैसे भ्रष्टाचारी राजस्थान में आज तक नहीं हुए। मैं आरोप खुले में लगाना चाहता हूं, सारे मंत्री ने लूटा है, अधिकतर एमएलए ने लूटा है, मुख्यमंत्री के परिवार ने लूटा है इस राजस्थान को, और ब्यूरोक्रेसी लूटा है। ऐसी जीत राजस्थान में कभी नहीं मची जो बात गहलोत सरकार में मची है। और मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं आप सच्चे गांधीवादी है, आप अपने कहते हैं मेरा जैसा कोई ईमानदार नहीं है, तो मैंने जो आरोप लगाए इनमें आप मुकदमा दर्ज करें, सब में एसीबी से जांच कराएं, दोषियों को गिरफ्तार कराएं, वरना ये मानूंगा कि आप ईमानदारी के नाम पर ड्रोन करते हो, आप ईमानदार नहीं हो, आप गांधी के नाम पर आप गांधी को धोखा देते हो, आप अपने आप को गांधीवादी करना बंद करें।